हे एवरीवन, हाय। क्या लिखा हुआ चैटमैक्स में? कोई है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है रियल लाइफ में। आई नीड अ सीक्रेट फ्रेंड। ओ माय गॉड, सीक्रेट फ्रेंड। चलो वंस अगेन, हे एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय सेशन। यस माय डियर, वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू माय सेशन। एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छी, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आई होप कि आपने अब तक पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, चाहे आप ड्रॉपर हो या फिर आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो या फिर अभी अभी आप सोच रहे हो, मान लो 9th में ही बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं। सो जो भी आपका लेवल है, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, आई रियली होप कि आपने अभी तक प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी होगी। नहीं करी है तो जल्दी से स्टार्ट करने की सोच लीजिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड उसी से आपकी प्रिपरेशन को जो है बूस्ट मिलेगा। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली मी एंड होल अकेडमी टीम, अन अकेडमी टीम इज गोना हेल्प यू। सो वंस अगेन, गुड इवनिंग एंड वाली वेरी वार्म वेलकम टू माई डियर एस्पायरेंट, नीट एस्पायरेंट, माई डियर स्टूडेंट्स, माई लिटिल लिटिल जैम्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी के साथ। तो जल्दी से मुझे चैटबॉक्स में बता दीजिए कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। अगर अभी तक आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आ रही है तो तब भी बता दीजिए, क्योंकि यस और नो दोनों ही जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से सारे बच्चे बताइए, यस माय डियर, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। और हाँ, अभी तक आपके दोस्तों को नहीं पता है कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से अपने दोस्तों को जाकर बता दीजिए कि यस मैम लाइव आ चुकी है और मैम की क्लास स्टार्ट हो भी चुकी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। तो एज यू नो गाइस, माई नेम इज ज्योति शर्मा एंड आई एम योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। आई हैव मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। माई क्वालिफिकेशन एंड माई अचीवमेंट्स आर देयर। आई हैव क्वालिफाइड एग्जाम एग्जामिनेशन, यस, एंड दिस इज माई प्रोफाइल। अगर आपके डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है मेरे स्पेशल क्लासेस के लिए, तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस के लिए आपको वहाँ पर लिंक आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, सारे बच्चों को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारा कल जो है वेडनेसडे को स्पेशल क्लास फेस्टिवल है। माय डियर, क्या है कल हमारा? स्पेशल क्लास फेस्टिवल। और अगर आप स्पेशल क्लास फेस्टिवल में आते हैं तो डेफिनेटली इस क्लास को 4 चांद लग जाएंगे। एंड दिस स्पेशल क्लास फेस्टिवल इज गोना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी यू नो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक एनिमल फिजियोलॉजी हम यहाँ पे ह्यूमन फिलोसफी हम करने वाले हैं, एनिमल किंगडम हम यहाँ पे पूरा करने वाले हैं एक ही क्लास में। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे और भी चीज़ें टॉपिक्स करने वाले हैं। सो एवरी दिस इज गोना हेल्प फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो ड्रॉपर हो, 11th हो, 12th हो, जो भी हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, स्पेशल क्लास में एंट्री करने के लिए कोड आपसे मांगा जाएगा अगर आप पहली बार अनअकैडमी पर क्लास लेने जा रहे हैं। सो माई कोड इज JSNEET, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो आज की सीरीज है, नॉट आज की सीरीज, लंबी सीरीज है, इस सीरीज का नाम है हमारा नीट स्कोरर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो नीट स्कोरर सीरीज में हमने जो पहला चैप्टर पिक किया है माय डियर, वो चैप्टर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके लिए मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। दैट चैप्टर इज एनिमल किंगडम, राइट। थोड़ा बहुत सारे बच्चों को मुश्किल भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं जो ठीक से याद नहीं रहते हैं। कहाँ पे कौन सा डाइजेशन होता है, कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे कौन कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सारी चीज़ें सारे बच्चों को याद नहीं रहती। तो इसी चीज़ को हम इजी बनाने के लिए आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर आज की क्लास में हम यहाँ पे लेकर आए। आई रियली होप कि आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी आए, क्लियर भी हो जाए। एंड डेफिनेटली दिस क्लास विल हेल्प यू टू गोना रिमेंबर एवरीथिंग टिल द नीट एग्जामिनेशन, इधर 2022 और 2023। सो यस माय डियर, अगर सारे बच्चों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, क्योंकि अगर लाइक करते हैं तो शुभारंभ होगा तो हमारी क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया, तो 5 मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और हमने फिर डिवीजन भी पढ़ा था कि एनिमल किंगडम को 2 मेजर डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। यहाँ पे नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट का जो डिवीजन है वो बेसिकली नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही उनका डिवीजन हुआ है। फिर लेटर नॉन कॉर्डेट मतलब जिनको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट इसलिए बोलते हैं आइडिया क्योंकि वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसी वजह से उनका फिर से डिवीजन हुआ। और फिर इन सभी एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अकॉर्डिंग टू देयर
क्रीचर, उनको फाइलम्स में रखा गया। तो फाइलम इसका सब डिवीजन है, तो बहुत सारी फाइलम है हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो स्टडीड, यस प्लीज भैया कमेंट वमेंट कुछ करो यार, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ कमेंट करो, बताओ सब कैसे हैं, तो कैसे हैं आप लोग बताइए, क्या चल रहा है आपका, पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही, नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, क्या मौज मस्ती चल रही है आपकी। ओके यस, तो यहाँ पे फाइलम्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टडी किया था कि कौन कौन सी फाइलम यहाँ पे स्टडी करने वाले। सो दिस इज द चार्ट ऑफ द फाइलम। एंड हमने और भी पढ़ा था यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई किस आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे दीज आर द बेसिक थिंग्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड। मैम मैं कर रही हूँ ना चैट। अच्छा आप राइटर गर्ल है, राइटर गर्ल, ओके, पढ़ाई तो फुल फॉर्म में चालू है मैम, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया है भाई। और ये क्या चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, फुजिया स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट ही हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं माय डियर। ओके बट बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चे, हमने कल यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था ये सभी बेसिक क्लासिफिकेशन, हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका सेलुलर लेवल आ जाता है, टिश्यू लेवल आ जाता है, ऑर्गन लेवल आ जाता है। इसके बाद सिमेट्री हमने डिस्कस करी थी, रेडियल एंड बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री आपको टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स एंड मेडेरियंस में मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री आपको प्लैटीहेलमिंथीस से लेकर कॉर्डेटा सभी में मिलती है। अच्छा जो जो बच्चे कल हमारी क्लास में थे मैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाली हूँ, और सारे बच्चे मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा। यस माय डियर अभय, व्हाट हैपन माय डियर, व्हाई आर यू एंग्री विद मी, आई नो यू आर एंग्री बिकॉज आई डिड नॉट टेक जूम मीटिंग नाउ, आई नो आई नो आई नो आई नो, अब आपकी जूम मीटिंग आपको सरप्राइज में मिलेगी, आई नो दैट आपने जूम, मैंने जूम मीटिंग नहीं। अच्छा अब मेरा सवाल अभय आपसे है, कल आप हमारी क्लास में थे ना, मुझे जल्दी से ये बताइए कि किस फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का आप बोल सकते हैं जर्म लेयर या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का किस फाइलम में स्टार्ट हो गया था। जल्दी से जितने भी बच्चे यहाँ पे जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए किस फाइलम में पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। लेट मी नो फास्ट, यस 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 मैम, आई एम एंग्री विद यू, वाई रे वाई एजू जूम मीटिंग, तो भाई जरूर होगी जरूर होगी। तो एक काम करिए, आज शाम को आपको मिलने वाला सरप्राइज इमीडिएटली आफ्टर द क्लास ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब की तुरंत क्लास के बाद आपको अराउंड 9:15 आपको एक सरप्राइज मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट सरप्राइज, रेडी हैं आप सभी लोग सरप्राइज के लिए। चलिए फिर, चलो फिर इसी खुशी में फटाफट से पहले अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करती हूँ उनको अच्छे से सुनो, याद करो, और इसके बाद मस्ती करेंगे, राइट ओके ठीक है। तो हाँ, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि किस फाइलम के अंदर आपको पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो देखने को मिलता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, शायद मेरी शक्ल है ये, मेरी नहीं है तो ये अभय की शक्ल होगी यहाँ पे, ठीक है अभय की शक्ल होगी। तो अभय को मैंने यहाँ पे बनाया था और फिर मैंने बताया था कि सिलोम होती क्या है। तो अभय की बॉडी के अंदर हमने झांक कर देखा था और हमने देखा था कि कैविटी होती है जहाँ पे उस कैविटी के अंदर हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो लोकेटेड हैं, हमारे लंग्स लोकेटेड हैं, इंटेस्टाइन लोकेटेड हैं, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट एंड प्लस किडनी, लिवर, एवरीथिंग इज लोकेटेड। तो उसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, राइट अभय, वेरी गुड ओके। गुपचुप खिलाएंगे क्या, क्या होगा गुपचुप खिलाएंगे, गुपचुप भी खिला देंगे यार, ऐसी क्या बात कर दी आपने, लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा आज के सरप्राइज के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब भी दोगे, अच्छे से सुनोगी भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ाई करोगे। सो इफ यू प्रॉमिस दैट थिंग, आई प्रॉमिस देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू इन द इवनिंग, राइट। भाई 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 लोडिंग कैसे हो रहा है यार, लोडिंग कैसे हो रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी हमें सपोर्ट आ चुका है, प्यार भी मिल चुका है, लाइक भी कर दीजिए सेशन को, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमारी जो आज की हैप्पीनेस है वो और बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यस 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 बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। स्वप्निल, देखो मुझे आपका नाम याद है, देखा मेरी मेमोरी कितने शार्प है, मुझे आपका नाम याद है स्वप्निल, राइट। तो हमारा किसी ने सवाल नहीं दिया, सब लोग हवा हवाई बातें कर रहे हैं,
तो जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए, जवाब है उस क्वेश्चन का ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो पहली बार आपको प्लैटी हेलमिंथिस में भी देखने को मिलता है, फ्लैट वॉर्म में देखने को मिलता है। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इनके एग्जामिनेशन में आ चुका है, राइट। सिलोम की बात करते हैं तो हमने ए सिलोमेट पढ़ा था, सूडो सिलोमेट पढ़ा था एंड सिलोमेट पढ़ा था। सिलोम से बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं माई डियर वो आपके एग्जाम्पल से आते हैं कि सूडो सिलोमेट टाइप का जो सिलोम है वो कहाँ पे देखा जाता है, तो राउंड वर्म में देखा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको, यहां से कई बार नीट में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है जी। वेरी गुड, ड्यू टू नेटवर्क इश्यू आंसर इज नॉट लोडिंग, इट्स ओके। हाय अभिषेक, हाय, ओके, चलिए स्टार्ट करें। सिलोमेट भी हमने पढ़ा था, अब दूसरा सवाल यहां से अराइज होता है। जैनिल इफ यू आर देयर यू कैन आंसर मी, इन विच ऑर्गेनिज्म, इन विच फाइलम द फर्स्ट टाइम, या विच फाइलम इज द सिलोमेट, किस फाइलम के अंदर सारे इंडिविजुअल्स या फिर जो एनिमल्स हैं उनके पास ट्रू सिलोम कैविटी होती है, दे आर सिलोमेट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। और ये है आपका नॉलेज टेस्ट, देखते हैं इस नॉलेज टेस्ट को कौन पार करता है, जल्दी से बताइए। यस यस यस, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है क्या बात है, आज तो दिल जीत लिया बच्चों ने, दिल जीत लिया आज तो, एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि किस फाइलम के अंदर आपके सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सिलोम कैविटी जो है वो देखने को मिलती है, ट्रू सिलोम कैविटी देखने को मिलती है, और जवाब का मैं इंतजार कर रही हूँ। और हमने फिर सेगमेंटेशन पढ़ा था, सेगमेंटेशन के बाद हमने नोटोपोड पढ़ा था। दीज आर द बेसिक फीचर एंड दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स जिनके बेस पर पूरे एनिमल किंगडम का डिविजन हो चुका, ठीक है। तो अब हमारा आ गया है पहला फाइलम, जो कि शायद बहुत सारे बच्चों का प्यारा फाइलम भी है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसके साथ लोग खेल सकते हैं, राइट। तो दिस इज फाइलम पॉलीफेरा, और फाइलम पॉलीफेरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अभिषेक राय जी, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, इसी बात पर लाइक भी कर दीजिए सेशन को। तो फाइलम पॉलीफेरा हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। आई रियली होप कि आज को सेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए, आपकी हेल्प करे समझने में। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बेसिक फीचर लिखे हुए हैं उनको हम जान लेते हैं। पॉलीफेरा, जब भी हम पॉलीफेरा की बात करते हैं, हम पोर्स की बात करते हैं, तो आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है कि पॉलीफेरा में जो एनिमल्स होते हैं हम उनको स्पंजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? स्पंजेस बोलते हैं। स्पंजेस क्यों बोलते हैं? जैसे कि आप डेली लाइफ में आप स्पंज देखते हो ना, इसमें पोर्स होते हैं, बहुत लाइट वेट होता है, उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सेम इनकी बॉडी होती है स्पंज जैसी, इसलिए इनको स्पंजेस बोलते हैं। पॉलीफेरा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे हैव पोर्स, ठीक है, उनके पास पोर्स होते हैं, पूरी बॉडी में उनके पोर्स होते हैं। तो पहला फीचर और इसके नाम का मतलब, इसका नाम क्यों पड़ा पॉलीफेरा, ये चीज यहाँ पे है कि दे हैव पोर्स। अब मुझे कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में एक बात बताएगा, और बात यह है कि किस साइंटिस्ट ने पॉलीफेरा को पॉलीफेरा नाम दिया था? यस, जल्दी से बताइए। यस यस यस, अरे बाप रे, अच्छा इसलिए आपको आवाज ठीक से नहीं आ रही क्योंकि मैंने माइक ही नहीं लगाया। जल्दी जल्दी जल्दी, अब है मिस्टर एजुकेटर जैनिल, सारे बच्चे, ये रश्मि, जल्दी से बताइए, विच साइंटिस्ट गेव द टर्म पॉलीफेरा? यस माय डियर, टेल मी फास्ट, विच साइंटिस्ट गेव द टर्म पॉलीफेरा? विच साइंटिस्ट गेव द टर्म पॉलीफेरा? अभी तक नहीं आया है। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। जल्दी बताइए। नो आंसर, वेरी बैड, बहुत बुरी बात है यार, ऐसे कैसे तैयारी करोगे आप बताओ नीट की, आप आंसर देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता देते हैं द टर्म पॉलीफेरा। एक काम करते हैं, हम फंडा बॉक्स में लिखते हैं इस चीज को, ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगी, मेरे को याद दिला देना, फंडा बॉक्स में इसको लिखना है, ठीक है जी, फंडा बॉक्स में लिखेंगे, मेरे पास आज फंडा बॉक्स है, और फंडा बॉक्स में हम वो फीचर लिखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा उनको याद करना मुश्किल होता है, प्लस आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गए। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, समझे, आज हमने अपना वे ऑफ टीचिंग जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि आपके लिए बहुत ही मजे की बात हो जाए। और ऑलरेडी हमें आंसर आ चुका है, यस रॉबर्ट ग्रैंट ने हमें आंसर दिया, रॉबर्ट ग्रैंट ने टर्म पॉलीफेरा दिया था, और बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पॉलीफेरा की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पॉलीफेरा इज नोन एज। तो ये दो सवाल है मेरे, आपको आते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और मोस्ट वेलकम, नहीं आते तो फंडा बॉक्स का इंतजार करिए, ठीक है।
चलिए पहले बेसिक यहाँ पर फीचर्स को पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि उनके पास पोर्स होते हैं, पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, जैसे कि स्पंज में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, पोर होते हैं, सेम इनकी बॉडी में होते हैं। एंड दे आर वेरी प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल। अब माय डियर अभय, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल किंगडम में या फिर सभी पांचों किंगडम में अकेला ऐसा पोरीफेरा फाइलम है जहाँ की जिसके एनिमल और ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल मल्टी सेल्यूलर तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई टिश्यू होता है ना ही कोई ऑर्गन होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बात है पोरीफेरा की, कि मल्टीपल सेल होने के बावजूद भी ना तो यहाँ पे कोई टिश्यू होता है और ना ही यहाँ पे कोई बताइए ऑर्गन होता है। ठीक है, सो दे आर, इसलिए उनको जो बोला जाता है उनको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि सिर्फ सेल्स के बने हैं, बॉडी में सिर्फ सेल्स हैं, ना तो सेल्स से टिश्यू बने हैं और ना ही टिश्यू से ऑर्गन बने हैं। क्लियर? चलिए, पहला हमारा बेसिक आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट इज दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। देखिए यहाँ पे जनरली लिखा है, आपको पता है कि आप, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम क्या इतना डिटेल में जा रही हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही ऐसी छोटी छोटी गलती हैं जो आपके नीट में गलतियां कराती हैं। मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एक बार नीट में सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग यू नो एनिमल्स और फाइलम और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर जनरली मैराइन नॉट एक्सक्लूसिवली मैराइन। एक सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली मैराइन, तो वहां पे वो एग्जांपल दे देंगे आपको। आपको वो पोरीफेरा का एक मेंबर रख देंगे, टीनोफोरा का एक मेंबर रख देंगे, इकाइनोडर्मेटा का एक मेंबर रख देंगे, नन ऑफ दीज रख देंगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि पोरीफेरा भी मैराइन होते हैं, इकाइनोडर्म भी मैराइन होते हैं एंड टीनोफोरा भी मैराइन होते हैं। तो इसने जनरली मैराइन क्यों पूछा है? तो जनरली मैराइन का मतलब यह है डियर कि मोस्टली most of the organism of porifera are marine but very few organism of porifera are freshwater। is yahan pe ye jo point maine mark kiya isko aap yaad rakh lijiye kyunki isko hum likhne wale hain funda box mein। theek hai, funda box ke liye taiyar rahiye। to ek funda box hamara yahan se banta hai, ek funda box hamara yahan se banta hai। to maine dusra sawal ye pucha hai ki porifera are generally marine lekin kuch aise uske animal hain ya organism hain jo ki freshwater hote hain, right? And mostly are asymmetrical। अब यहाँ से भी एक फंडा बॉक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसने बोला है mostly, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है mostly, इसका मतलब है कि सारे नहीं होते, कुछ तो ऐसे पोरीफेरा होते हैं जिनमें कोई ना कोई सिमेट्री जरूर मिलती है। एंड बी रेडी फॉर फंडा बॉक्सेस, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही दमदार होने वाली है। ओके अभे, क्या बोल रहे हो? पैराजूलॉजी, बिल्कुल सही आंसर दिया। ये आज की स्टार स्टूडेंट है मेरी, मिस्टर एडुगेवर, मतलब स्वप्ने, आज हमारे आप स्टार स्टूडेंट है। थैंक यू एंड योर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ चुका है। आई होप कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हों, और ये सारी चीजें हम लिखने वाले हैं। तो हमने दो स्टार मार्क कर दिए क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट है। तीसरा, दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, चाहे मैराइन हो या फिर फ्रेश वाटर हो, रहते तो पानी में, रहते तो वाटर में, तो इनकी बॉडी में टिश्यू नहीं मिलते हैं, इनकी बॉडी में ऑर्गन नहीं मिलते। जब टिश्यू नहीं मिलेगा तो ब्लड नहीं मिलेगा, बिकॉज ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट? अगर टिश्यू नहीं है तो ब्लड भी नहीं है, और टिश्यू वस्कुलर सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑर्गन्स भी नहीं है। इसका मतलब इनकी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टरी फ्लूइड होता है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। अब देखिए, ये सेल्स के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। अब सेल्स को जिंदा रहने के लिए सारी चीजें करने की जरूरत है ना। सेल्स रेस्पिरेशन करेगा, डाइजेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, तीन इंपॉर्टेंट बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस वहां पे रहेंगे। अब रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, गैस की जरूरत है, एक्सक्रीशन से मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलेगा, एंड न्यूट्रिशन के लिए फूड की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं? तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, ऑल देयर मेटाबॉलिक प्रोसीजर। यस माय डियर, साथ साथ बोलिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरी क्लास में, आप जितने भी सीरियस बच्चे हैं, आई होप कि सारे बच्चे सीरियस हों, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी सीरियस बच्चे हैं, प्लीज टेक योर पेन,
प्लीज टेक योर नोटबुक एंड राइट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है और मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने भी वाली हूँ और लिखाने भी वाली हूँ। तो प्लीज आप अपने आप पर थोड़ी सी मेहरबानी करिए, सीखने की कोशिश करिए और अपने पेन नोटबुक तैयार करके रखिए। तो ये सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं वाटर पर। किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन वाटर। क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर से ही उनको गैस मिलने वाली है, वाटर से ही उनको फूड मिलने वाला है और वाटर ही उनके रिप जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करने वाला है। क्योंकि वाटर इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, वाटर क्या है? एक फ्लूइड है जो कि बॉडी में सर्कुलेट करता है। आई होप कि ऑल थ्री पॉइंट्स आर क्लियर। बिल्कुल सही आंसर दिया है। अरे क्या बात है, इतना भी एडवांस मत चलो डियर, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई नो आई एम वेरी हैप्पी यू नो द फैक्ट, बट प्लीज 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 मुझे थोड़ा सा स्पीड, मेरी स्पीड से चलने दीजिए। मैं सारे पॉइंट कवर करने वाली हूँ, डू नॉट माइंड दिस थिंग, क्योंकि हम सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये बात होगी आपकी फाइलम पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में होते हैं पोर्स। अब यहाँ पे जब पोर्स की बात आई है तो हमको यहाँ पे जानना है कौन से टाइप के पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको पोर्स मिलते हैं। ऑस्टिया, ऑस्टिया वो पोर्स होते हैं जहाँ जो वाटर इनलेट के लिए होते हैं। वाटर इनलेट के लिए मतलब जो वाटर है वो बॉडी में एंटर करेगा वो ऑस्टिया के। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं ना तो अपने माउथ का इस्तेमाल करते हैं, ये माउथ भी एक ओपनिंग है, पोर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी माय डियर, वाटर जो है वो इनलेट जो होगा मतलब बॉडी में अंदर जाएगा वो ऑस्टिया के थ्रू जाएगा। सो दीज पोर्स आर, जो मैं यहाँ पे डायग्राम में मार्क कर रही हूँ, दीज पोर्स आर ऑस्टिया। ये कौन से पोर्स हैं आपके? ऑस्टिया। इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस, क्लियर है सभी को? क्लियर है? जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए। ऑस्टिया जो होते हैं वो वाटर इनलेट के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, वाटर हमेशा बॉडी के अंदर एंटर करता रहता है। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन फिर भी बॉडी में एक यहाँ पर होलो कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं स्पंजोसील। स्पंजोसील, सील का मतलब होता है कैविटी, सिलोम सील, तो सील का मतलब कैविटी होता है। तो वो कैविटी जो स्पंजेस में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। तो इसी कैविटी में माय डियर क्या होता है? वाटर का फुलफिलमेंट हो जाता है इसी कैविटी के अंदर। यहीं पे जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है यहाँ पे, और इसी वाटर से सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अच्छा एक बात बताइए, आई गेस आपको यहाँ पे आंसर तो मिल ही जाएगा, और एक बच्ची ने मुझे या बच्चे ने मुझे आंसर ऑलरेडी दे दिया है। स्पंजेस के अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, राइट? सिर्फ कैविटी होती है। वाटर यहाँ पे है, इज दैट क्लियर? वाटर कहाँ है? यहाँ पर है। तो जो फूड है, मान लीजिए मैं फूड को दूसरे कलर से बना देती हूँ, एंड आई होप कि आपको इस हेल्प बहुत अच्छे से करेगा। मान लीजिए ये फूड पार्टिकल, दीज ब्लैक डॉट्स आर फूड पार्टिकल। अब इन फूड पार्टिकल्स को जो है सेल एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सेल्स हैं, सेल्स ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब फूड पार्टिकल्स को सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ पर मुझे एक सवाल का आपको जवाब देना है कि जो डाइजेशन होगा, जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, वो इंट्रा सेल्यूलर होगा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा? जल्दी से बताइए। यस 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 जैनिल, यस जैनिल, बिल्कुल जैनिल, रश्मि प्लीज टेल मी फास्ट प्लीज एवरीबॉडी, यस माय जीनियस। यहाँ पर फूड पार्टिकल वाटर में प्रेजेंट है, राइट? वाटर से सेल्स फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगी। अब देखो यहाँ पे ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही टिश्यू है, ना ही ऑर्गन है, कुछ भी नहीं है। तो जो वाटर से फूड पार्टिकल जाएगा वो सीधा सेल के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको सवाल ये पूछा जाता है कि जो यहाँ पे डाइजेशन होता है, डाइजेशन जो होता है माय डियर, वो इंट्रा सेल्यूलर होता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है? आई होप कि आप सभी बच्चों को आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा, एंड मुझे यहाँ पे आंसर आने वाला है। सो लेट मी चेक कितने बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे। जल्दी 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 भाई, इंतजार कर रहे हैं। बताइए इंट्रा सेल्यूलर होता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है? और जो भी बच्चा मुझे आंसर देगा उसको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, ये मेरी कंडीशन है। तो आर यू रेडी फॉर करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन? जल्दी से बताइए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑस्क्यूलम की। ऑस्क्यूलम जो होता है वाटर एग्जिट के लिए, वाटर आउटलेट, वाटर आउटलेट मतलब वाटर को बाहर निकालने के लिए। अच्छा जो ऑस्क्यूलम होता है वो एक ही होता है, आपको याद रखना है। ऑस्टिया जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ऑस्क्यूलम होता है वो सिंगल होता है, और उसी से जो वाटर है वो
बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम, राइट, क्लियर है, क्लियर है डियर, यस, तो यहाँ पे वाटर जो है वो बाहर निकल चुका है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा था अभी तक मुझे आंसर नहीं आया, पर कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। डाइजेशन जो होता है डियर यहाँ पे वो इंट्रा सेल्यूलर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है जी। डाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, इंट्रा सेल्यूलर होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों होता है इंट्रा सेल्यूलर, इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर, क्योंकि सेल के बाहर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है, इसी वजह से सेल को ही वो फूड अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा सिस्टम है ही नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर, पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। अच्छा, ऑस्क्यूलम वाटर आउटलेट एक ऐसा पोर है जिससे वाटर बाहर निकलता है, जो भी वाटर बाहर निकलेगा उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट रहेगा, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे कि वाटर जो बाहर निकला है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कौन सा होता है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए कि यहाँ पर पॉरीफेरा में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रीड करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रल कैविटी इज प्रेजेंट, इसी को हम सेंट्रल कैविटी बोलते हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, स्पंजोसी जहाँ पे पूरा वाटर फिल हो जाता है, वाटर फिर सारी सेल्स उसी वाटर में से सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को एब्जॉर्ब कर देती है, उसी वाटर में अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिलीज कर देती है, फिर वो वाटर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, इज दैट क्लियर। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कि यहाँ पर भी स्केलेटन होता है, लेकिन यहाँ पे स्केलेटन ह्यूमन के जैसे बोन्स और मसल्स का नहीं होता है, एंड यू माइट वंडर कि क्यों नहीं होता है, तो वंडर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी मसल्स होते हैं और जितने भी हमारी बोन्स होते हैं दे आर टिश्यू, लेकिन पॉरीफेरा में तो सिर्फ सेल्स मिलती हैं, टिश्यू मिलते ही नहीं है, तो यहाँ पे जो भी स्केलेटन मिलेगा आपको वो फाइबर्स का मिलता है या स्पाइक्यूल्स का मिलता है, आपको इतना याद रखना है, फाइबर्स एंड स्पाइक्यूल्स। अगर कोई भी बच्चा जानता है तो मुझे यहाँ पे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने टाइप के स्पाइक्यूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ना डियर, वो मिनरल के बने होते हैं, वो सेल के नहीं बने होते, किसके बने होते हैं, मिनरल के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइक्यूल्स मिलते हैं या तो आपको कैलकेरियस मिलते हैं, आई होप कि आई एम गोइंग वेरी स्मूथ, एंड दूसरे मिलते हैं आपको बताइए सिलीसियस मिलते हैं, सिलीसियस मतलब सिलिकॉन के मिलते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जितनी भी ये ऑर्गेनिज्म है पॉरीफेरा के वाटर में ही अराइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जितने भी ये मिनरल्स होते हैं चाहे कैल्शियम हो या सिलिकॉन हो, इन्हीं के यहाँ पे स्केलेटन बनता है, इवन फाइबर्स भी उन्हीं के बने होते हैं। यहाँ पे सेल का या टिश्यू का या ऑर्गन का स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, एंड आई रियली रियली होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इज दैट क्लियर। सारे बच्चे बता दीजिए मैम ये बायो का कौन सा पार्ट है। अब है माय डियर बायो का पहला पार्ट है ये, एनिमल किंगडम का पहला पार्ट पॉरीफेरा। अच्छा पहले कैन यू रिपीट द क्वेश्चन जो आपने अभी जस्ट पूछा है जानील, मेरा क्वेश्चन ये है माय डियर जानील के मैं खुद बोल रही हाँ, स्पंजिस के अंदर पॉरीफेरा के अंदर कौन से टाइप का नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है। मैंने क्या पूछा, पॉरीफेरा में स्पंजिस में किस टाइप का नाइट्रोजीनस वेस्ट रिलीज होता है आपको ये बताना है, राइट, वेरी गुड, ठीक है, एंड आई रियली होप कि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर हो गए हो, तो जल्दी से मुझे थम्स अप लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए, अपना हार्ट भेज दीजिए, ताकि मेरे को पता लगा है कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चों को समझ आ चुका है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे तीन पॉइंट जो है वो कवर कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम करने वाले हैं फंडा बॉक्स, और फंडा बॉक्स में हम क्या क्या करेंगे, अब बात होती है यहाँ पे राइटिंग की और पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे करने वाले हैं माय डियर, वो पहला पॉइंट क्या है आपका, जल्दी से बताइए पहला पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे करेंगे वो आपका करेंगे डाइजेशन को लेके, ठीक है जी, ठीक है, डाइजेशन को लेके। तो डाइजेशन माय डियर यहाँ पे जो होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डाइजेशन होता है इंट्रा सेल्यूलर, आपको याद रखना है डाइजेशन क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी टिश्यू ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है।
इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी फंडा में यहाँ पे कराने वाली हूँ ना, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइजेशन तो हमारा हो चुका, डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, सेल वेस्ट रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यहाँ पे जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। यस माय डियर, टेल मी फास्ट, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फंडा बॉक्स। आ चुका है ये, चलिए बताइए क्या रहेगा। और यहाँ पर आया है अमोनिया। हाय नितिन, आई एम गुड माय डियर, हाउ आर यू। स्लो आ रहा है क्या? अभी आपको ठीक आएगा, ठीक है। बट स्पेशल इन द फंडा बॉक्स, नितिन राजू, फंडा बॉक्स में स्पेशल क्या है, जो जो चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाती है ना एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त, वो चीज़ें हम यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं। और दूसरा स्पेशल है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एक और दो पॉइंट जो कि नीट के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ओके, सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो फंडा बॉक्स कहता है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है स्पंजिस के अंदर वो अमोनिया होता है। अब आप पूछेंगे कि मैडम अमोनिया क्यों होता है, यू नो दैट अमोनिया अकेला ऐसा एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि वाटर में हाईली सॉल्यूबल होता है एंड इट इज रिलीज्ड बाय ओनली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। थोड़ा शांति से पढ़िए, क्योंकि जितनी शांति से जितनी स्मूथली हमारी यहाँ पे पढ़ाई होगी उतना ही लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रुकने वाली है। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और ये जो अमोनिया होता है ये रिलीज्ड बाय देखिए, आपके पास वक्त की कमी नहीं है, चाहे बच्चे 21 की तैयारी 22 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बच्चे 23 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बताती हूँ, अभी आपके पास वक्त की कमी नहीं है। तो कहते हैं ना स्लो स्टडी विंस द रेस, तो भैया धीरे धीरे चलिए, समझ के चलिए, भागने की कोशिश मत करिए, बहुत जल्दी थक जाओगे, हार जाओगे, ठीक है। कछुआ बनिए, रैबिट मत बनिए। तो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीबडी, बी स्लो, धीरे धीरे चलिए, अच्छे से चलिए, अच्छे से समझिए, सारे पॉइंट्स को कवर करिए और सेल्फ प्रिपरेशन भी साथ के साथ करते रहिए, ठीक है जी। तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो चुका है अमोनिया होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ, इसको दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में और आपको ये लिखना है। सो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं फंडा बॉक्स में, और थर्ड पॉइंट जो है आपका वो होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। या फिर रिप्रोडक्शन के अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बॉडी सेल्स होती हैं, बॉडी सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो बॉडी सेल्स होती हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं लेयर्स की, बात कर लेते हैं लेयर्स की, ठीक है जी। तो लेयर्स जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, जो इसकी पूरी बॉडी होती है ना, वो बेसिकली हम आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो लेयर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है प्लीज जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क मी मैम, ये चीज समझ नहीं आई। आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं पिनाकोडर, ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है, ठीक है। और जो दूसरी लेयर होती है, आउटर लेयर होगी, दूसरी लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं, बताइए कौन बच्चा बताएगा, दूसरी लेयर कौन सी होती है, जल्दी से बताइए दूसरी लेयर। यस माय डियर, कौन बच्चा है किसमें है दम जो मुझे बताएगा कि दूसरी लेयर का क्या नाम है, जल्दी से। और यहाँ पे पिनेकोडर्म के अंदर भी दो टाइप की सेल्स होती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। पिनेकोडर्म में दो टाइप की सेल्स होती है माय डियर, एक आपकी होती हैं, बताइए कौन सी होती है, पिनेकोसाइट, यस जैनील, दूसरी आपकी होती है पोरोसाइट। कौन सी सेल्स होती है, पोरोसाइट, इज दैट क्लियर, पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट। अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो सेल है वो है आपकी कोइनोडर, ठीक है। नेक्स्ट सेल का नाम क्या है यहाँ पे, कोइनोडर, ओके जी। और यही कोइनोडर्म है जो कि इंटरनल होती है, याद रखिए कि कौन सी सेल्स है, ये है आपकी इंटरनल लेयर, ओके जी, ये क्या है आपकी इंटरनल। और इसी इंटरनल लेयर में मिलती हैं आपको फ्लैजिलेटेड सेल्स, कौन सी सेल्स मिलती हैं,
आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, कौन सी सेल्स मिलती हैं बताइए, फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं कोलर सेल्स, कोलर सेल्स। चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, डायग्राम में एक बार देख लीजिए, दीज आर द फ्लैजिलेटेड एंड कोलर सेल्स, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये आपको दिख रही है ये वाली सेल्स, देखिए ये वाली सेल्स आपको दिख रही है, ये वाली सेल्स, ये आपको फ्लैजिलेटेड सेल्स दिख रही है, दीज आर कोलर सेल्स, जो कि आपको स्पंज में अंदर की साइड मिलती है, स्पंजो सील की तरफ मिलती है, इनको हम बोलते हैं कोलर सेल्स। और ये बनाती है कोइनोडर्म लेयर, कौन सी लेयर बनाती है, कोइनोडर्म लेयर। और जो ये पोरोसाइट है ना, एक बार ध्यान से देखिए पोरोसाइट, ठीक है समझ आ गई, पोरोसाइट जो है वो पार्ट होती है पेनेक्टोडर्म की, मतलब आउटर लेयर की, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। और कोइनोडर्म एंड पेनेक्टोडर्म के बीच में एक और यहाँ पे सेल्स की लेयर नहीं होती है, तीसरी लेयर होती है जो कि सेल्स की नहीं बनी होती, उसको हम बोलते हैं मेसेनकाइम, आपको याद रखनी है कौन सी, मेसेनकाइम। ठीक है जी, इज दैट क्लियर, यहाँ पे सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। यस जेनी, एपिडर्मल लेयर को ही हम पिनेक्टोडर्म बोलते हैं, इसको ही हम पिनेक्टोडर्म बोलते हैं जो कि एपिडर्मल लेयर है। एपी का मतलब होता है आउटर, याद रखना है, एपी का मतलब क्या होता है, आउटर, इसी को हम बोलते हैं एपिडर्मल। ठीक है, एपी का मतलब होता है आउटर लेयर। तो आई गेस के फंडा बॉक्स के दो तीन पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और चीजें भी आपकी क्लियर होगी। ये इजी है, बेसिक है, प्लस नीट के लिए बहुत जरूरी, आपको याद रखना है। पिनेक्टोडर्म, जिसको हम आउटर और एपिडर्मल बोलते हैं, ये बनी होती है पिनेक्टोसाइट्स की एंड पोरोसाइट्स की। अच्छा, पिनेक्टोसाइट्स जो होती है वो फ्लैट होती है, कौन सी होती है बताइए, ये फ्लैट होती है। और जो पोरोसाइट होती है ना डियर, ये आपकी होती है ओवल, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना ओवल जैसा होता है। और जो कि पिनेक्टोसाइट्स होती है ये फ्लैट होती है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट जानी। अच्छा, सेकेंड लेयर है कोइनोडर्म, जो कि बनी, जो इंटरनल लेयर है, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स कोलर सेल से मिलकर बनी होती है, फ्लैजिलेटेड होती है, याद रखिए। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट करने वाले हैं फंडा बॉक्स का, और फंडा बॉक्स का चौथा पॉइंट क्या है हमारा, ये देखिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा क्या करें फंडा बॉक्स के चौथे पॉइंट में। फाइबर्स हमने ऑलरेडी कर लिया है, स्पेक्यूल्स जो होते हैं वो सिलीसियस एंड कैलकेरियस होते हैं, वो चीज हमने ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन फंडा बॉक्स में हम एक और चीज करने वाले हैं, वो करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट माय डियर। क्या करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन, ये भी आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम दे रखा है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पर दोनों टाइप का होता है, दोनों टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है, समझ आ रही है बात जानील और सारे बच्चे। यस, दी नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रश्मि, नीट टू फेज जो है वो करना जरूरी है, वरना आपकी काउंसलिंग वगैरह जो है ना वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो फेज टू रजिस्ट्रेशन है ये काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है डियर, वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल जो होता है वो आपका बडिंग से हो जाता है और गैम्यूल फॉर्मेशन से हो जाता है, सेक्सुअल जो होता है वो होता है गैमीट फॉर्मेशन से। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को भी यहाँ पे नोट डाउन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, जल्दी से नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। बस मुझे एक बार बता दीजिए कि मैम वी आर राइटिंग इट डाउन, ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। और हाँ, अभी तक मुझे लाइक्स बहुत कम आया भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो, लाइक्स कर दीजिए। हो गया जी, जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप दे दिए अगर आपने सब कुछ लिख लिया है तो। और मैंने आज थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करी है, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट ऑन दिस यू नो पेन और दिस बोर्ड, लेकिन मैंने आज अच्छे से लिखने की कोशिश करी है, पूरा सजा सजा के लिखा है। चलिए, गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमारा रह गया है, और दो तीन पॉइंट और करेंगे और हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, फंडा बॉक्स में मैं एक और चीज़ लिखना भूल गई हूँ, और वो ये है, मैं आपको बता रही थी कि पॉरीफेरा टर्म वॉज, यहाँ पे सारे बच्चे लिख लीजिए, पॉरीफेरा टर्म वॉज गिवन बाय, जल्दी से बताइए कौन बच्चा ऑलरेडी हमें आंसर दिया था, किस बच्चे ने दिया था, जल्दी से बताइए, पॉरीफेरा टर्म वॉज गिवन बाय, यस कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, दैट वॉज रॉबर्ट ग्रैंट। ठीक है जी, रॉबर्ट ग्रैंट ने दिया था, एंड कब दिया था बताइए, 1836 में। तो इसीलिए हम पॉरीफेरा को पॉरीफेरा जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो चुका है,
दूसरा टर्म जो दूसरा मैंने पॉइंट पूछा था स्टडी ऑफ पोरीफेरा, तो मुझे ऑलरेडी आंसर आ चुका है किसी बच्चे का, स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज नोन एज, बताइए जी स्टडी ऑफ पोरीफेरा। मुझे पता है कि जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना तो आप ये सारी डिस्कवरी करोगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन अपकमिंग 20 इयर्स कि कोई भी टीचर ये पढ़ा रहा होगा कि बताइए इस एनिमल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो हो सकता है कि उनमें से उस बच्चे का नाम जैनील हो, अभय हो या रश्मि हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। द स्टडी ऑफ पोरीफेरा जो है वो पैराजोआ, यस जी पैराजोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर दिया है पैराजोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, जोलॉजी का मतलब ही होता है एनिमल्स की स्टडी करना, तो ये चीज हमारा हो चुका है। अब बात हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है माय डियर, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है। सपने आते हैं आपको सेक्सुअल एंड दूसरा हो गया एसेक्सुअल, ठीक है बी हो गया एसेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल, सपने आते हैं आपको, आपको सपने आते हैं जैसे कि आप किसी बहुत बड़ी लैब में काम कर रहे हैं, उस लैब में आप स्टडी कर रहे हैं किसी चीज की, हाँ अभय ही होगा वो, ओहो ओहो देख रहे हो लड्डू फूट रहे हैं मन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या बात है लड्डू फूट रहे हैं अभी से। चलिए तो एसेक्सुअल जो होता है डियर यहाँ पे दो तरीके से होता है, बडिंग से होता है। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि बडिंग टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हाइड्रा में और यीस्ट में देखने को मिलता है, बहुत ही कम बच्चों को याद रहता है कि जो बडिंग है वो स्पंजेस में भी देखने को मिलता है, और बडिंग से ही यहाँ पर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टाइप है यहाँ पे होता है गीमा फॉर्मेशन या गैम्यूल फॉर्मेशन, आप बोल सकते हो गैम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है गैम्यूल फॉर्मेशन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, मार्क करके रख लीजिए वर्ड्स को। यस डे ड्रीमिंग करते हो, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन से होता है, गैमीट बनते हैं, ठीक है, और जो गैमीट फॉर्मेशन जो सेल्स करती है ना वो इनर लेयर की सेल होती है। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा, ठीक है मार्क माई वर्ड, फर्टिलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा, यस जानी तुम्हारी बारी है बताइए माय डियर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, तुम्हारी बारी है। हाय मोहित हाउ आर यू बच्चा, बिल्कुल अभय यू कैन कॉल मी दीदी एंड आई रियली लाइक कि मुझे बच्चे दीदी बुलाते हैं, यस अभय। गैमिट फॉर्मेशन इनर सेल, बिल्कुल सही आंसर दिया है रश्मि आपने, इनर सेल्स जो होती हैं जिनको हम क्वाइनोडर्म बोलते हैं, उन्हीं सेल्स के बीच में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि गैमिट बनाती हैं, ठीक है। अब आपकी बारी यहाँ पे आती है कि जब गैमिट बनते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि फर्टिलाइजेशन सेल्स के लाइक स्पंजोसील के अंदर या स्पंज की बॉडी के अंदर होता है या फिर स्पंज की बॉडी के बाहर वाटर मीडियम में होता है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे हमें जवाब देते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ओके बताइए बताइए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, भाई इतना वक्त मत लीजिए, थोड़ा सा सवाल आप जवाब जल्दी दिया करिए। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, जो फर्टिलाइजेशन होता है डियर वो इंटरनल होता है, बेशक बेशक नो शक कि यहाँ पर स्पंजेस और पोरीफेरा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, और आपको बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि शायद सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पर नहीं, पोरीफेरा ने ये बात गलत प्रूफ कर दी है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। अब जब बात यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की आ ही गई है तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से यहाँ पे लार्वा बनेगा या नहीं बनेगा, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी 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 बताइए माय डियर। ये थैंक यू मोहित, थैंक यू सो मच, और हमारे एडू गेमर ने इस सवाल का सही जवाब देके और आज का ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि फर्टिलाइजेशन हो गया राइट, बॉडी के अंदर हो गया राइट, अब जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट बन जाएगा या फिर बीच में कुछ हेरा फेरी हो जाएगी और लार्वा बनेगा, तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। गुड इवनिंग मजर अली खान, ओ माय डियर मेरे पुराने पुराने बच्चे वापस आ रहे हैं और ये तो बहुत ही खुशी की बात है, वेरी गुड, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग, यस। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डियर ध्यान से सुनिए,
कि यहाँ पे जो स्टेज होती है वो लार्वा जो होता है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लार्वल स्टेज स्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है, लार्वल स्टेज क्या है, प्रेजेंट होती है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, कौन बच्चा जीतेगा बिना, कौन बच्चा बनेगा, डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं बन रहा है, मतलब डायरेक्ट स्टेज एडल्ट नहीं बन रहा है, पहले फर्टिलाइजेशन से जायगोट बन रहा है और जायगोट से बनेगा क्या बनेगा बताइए, लार्वा, और इसी ये डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, ये हमारा हो चुका है फर्टिलाइजेशन। और एक और चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, और वो खूबसूरत लाइन ये है, मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से बता देती हूँ, वो खूबसूरत लाइन ये है कि मोस्टली स्पंजेस एंड पोरीफेरा आर मराइन, ठीक है, तो मोस्टली स्पंजेस आर मराइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है मराइन, बट few are fresh water, याद रखिए। और मैं आपको एक फ्रेश वाटर में यहाँ पे एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्पंजिला, ठीक है, जो स्पंजिला होता है वो फ्रेश वाटर स्पंज होता है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी, एडो गेमर बिल्कुल सही आंसर दिया, हाय जय कुमार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओ साचेत क्या बोल रहा है, माय स्कोर इन द 575 प्लस माइनस 5, क्या बात है, बिल्कुल मिल जाएगा साचेत आपको, तो देखिए एम्स की मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन हाँ एक आपको बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। तो डियर आपको क्या याद रखना है कि जो स्पंजिला होता है वो फ्रेश वाटर स्पंज होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, अब एक और चीज जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और वो कवर करने वाले सिमेट्री, सिमेट्री का पॉइंट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में आपको बताऊंगी, चलिए फिर सिमेट्री और लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली स्पंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पता है बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है जी, एसिमेट्रिकल, लेकिन बट अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, गलती से भी नहीं भूला है, बट ल्यूकोसोलेनिया एंड याद रखिए, एंड साइकॉन, बिल्कुल भी मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकॉन आर रेडियली सिमेट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है जी, क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो नहीं दे रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, आई होप कि आपका कुछ भी नहीं छूटा हो। बाकी तो एनसीईआरटी में जैसे कि सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, क्योंकि सिंगल बॉडी है, उसी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, तो ये हर्माफ्रोडिज्म को शो करते हैं, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडिज्म यहाँ पे शो होता है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो बाद में, वन सेकेंड, यहाँ पे सेक्सुअल में हम लिख देते हैं हर्माफ्रोडिज्म, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से हर्माफ्रोडिज्म ये शो करते हैं, एग स्पर्म दोनों बनते हैं यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है जी, यस बिल्कुल, इज देयर एनीथिंग, नीट पॉजिटिव, मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशन, ये आई एम सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशन माय डियर, बहुत बढ़िया, अब तो आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी, आपका सिलेक्शन हो गया, तो वेरी गुड, नीट पॉजिटिव रैंकर, वेरी गुड, आपकी स्वीट मैं आपको खिलाऊंगी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है कि आप किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, आई होप नथिंग इज लेफ्ट, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, राइट, क्लियर है माय डियर, ओके, दे आर लार्जली फाउंड इन द पॉन्ड्स स्ट्रीम लेक ग्रोइंग इन द समर्ज प्लांट एंड स्टिक्स, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ थिन डर्मिस प्रोवाइडेड विद अ पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी, इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मेरानर, ये बात बिल्कुल सही बोली है, तो
सचेस्ट, सचेस्ट म्याल जो भी है ये बच्चा। हाँ तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि नॉ, और आपको पता है नॉट ओनली इकाइनोडर्म्स बल्कि टीनोफेरा भी एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है नीट में और बहुत बार आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मराइन, तो या तो टीनोफेरा गिवन दे रख या कर रखा होगा या फिर इकाइनोडर्म्स दे रखा होगा, क्योंकि दोनों की दोनों एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। तो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, साइकोन हो जाएगा, ल्यूकोसोनेनी हो जाएगा, स्पंजिला हो जाएगा, यू स्पंजी हो जाएगा, सो ऑल दीज आर टाइप ऑफ द स्पंजेस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर लेवल होता है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ दो सेल से अराइज होते हैं, और यहाँ पर भी बाकी चीजें सब कवर हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम करते हैं माय डियर। और यस, नेक्स्ट फाइलम के बारे में आप बात करते हैं तो सेकेंड फाइलम जो है हमारी ये है आपकी सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो है ये सेकेंड फाइलम है, नेडेरिया जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि नेडेरिया या सीलेंट्रेटा इनको हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो सबसे पहले कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। वो फीचर्स क्या बोलते हैं कि नेडेरियंस आर एक्वाटिक, ये भी वाटर में रहते हैं, अगेन मोस्टली मराइन लेकिन कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, सेशाइल होते हैं मतलब वो अटैच होते हैं किसी भी बेस से, किसी भी सबस्टेशन से। फ्री स्विमिंग होते हैं मतलब वो फ्रीली स्विम भी कर लेते हैं, जैसे कि मेड्यूसा फॉर्म। तो अगर यहाँ पे मेड्यूसा फॉर्म की बात करते हैं तो ये फ्री स्विमिंग होती है, मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देती हूँ, दिस इज फ्री स्विमिंग। ठीक है, और जो एडम्सिया पॉलीफॉर्म होती है ये ससाइल होती है, ससाइल फॉर्म होती है मतलब अटैच्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी, ओ जी क्लियर है जी। अच्छा, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये बात मतलब लिखी गई है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी को किसी भी लाइन से, अगर वो लाइन वो एक्सिस अगर वो सेंटर से पास कर रहा है तो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेडेरियंस में टिश्यू देखे गए हैं, पॉलीफेरा में टिश्यू नहीं देखे गए। एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो बॉडी लेयर से बने होते हैं, एक्टोडर्म, दो जर्म लेयर्स, और दूसरी होती है एंडोडर्म। हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास भी एक बहुत ही अच्छी कैविटी होती है जिसके बारे में आपको पता होगा, सीलेंट्रॉन जिसको हम बोलते हैं। तो सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रेटा जो नाम पड़ा है इनका वो इसी बेस पे पड़ा है, क्योंकि सीलेंट्रॉन नाम की कैविटी वहां पे मिलती है और उसी कैविटी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, सेल के बाहर होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में सेल के बाहर होता है, और फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो होती है उसी का वो सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, एंड इंट्रासेल्युलर भी देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो बेसिक फॉर्म यहाँ पर होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो जो मेड्यूसा फॉर्म होती है जिसको हम ऑरेलिया बोलते हैं, दिस इज फ्री स्विमिंग, एंड जो पॉलिप फॉर्म होती है इसको हम एडम्सिया बोलते हैं, दिस इज ससाइल। आई गेस आई एम क्लियर, राइट जी, क्या बात है जी मिस्टर एजुकेटर, क्या बात है, क्या बात है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, सारे फीचर्स आपको पता लगे। सेकेंड फंडा बॉक्स में क्या क्या होता है तो फटाफट से हम फंडा बॉक्स लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता लग जाए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं जल्दी से बताइए, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखने वाले हैं, कौन बच्चा बताएगा फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखने वाले हैं? यस माय डियर, पहला पॉइंट जो है उसमें हम क्या लिखने वाले हैं तो सारे बच्चे बता दीजिए। तो पहली पॉइंट हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि दे आर मोस्टली मैराइन, मोस्टली मैराइन, सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि यहाँ पर जो पॉलिप फॉर्म होती है वो सेसाइल होती है, पॉलीफॉर्म जो होती है वो सेसाइल होती है, और जो मेड्यूसा होती है वो मेड्यूसा, दिस इज फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग आप बोल सकते हो, स्विमिंग। ठीक है, फ्री स्विमिंग, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और यहाँ पर तीसरा जो करने वाले हैं कि अच्छा यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दोनों टाइप का आपको देखने को मिलता है, मतलब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है। चलिए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि सेक्सुअल जो होता है डेफिनेटली गैमीट बनेंगे यहाँ पर, एसेक्सुअल जो होता है गैमीट नहीं बनते। तो एसेक्सुअल में आपका आ जाता है बडिंग, बडिंग आ जाता है एसेक्सुअल में, जैसे कि हाइड्रा में आप बडिंग देखते हैं। ठीक है,
और सेक्सुअल में आ जाएगा यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन। पेन क्यों नहीं चल रहा है? गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। यस दे आर सॉलिटरी कॉलोनियल सेडेंटरी फ्री स्विमिंग, बिल्कुल सही आंसर दिया माय डियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिस्टर एडुकेमर, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा आपको एक चीज जो आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखी गई है, हाईलाइट की गई है कि, और वो चीज क्या है जल्दी से कौन बच्चा बताएगा कौन सी वो चीज है? वो चीज ये है, जब पॉलिप से पॉलीफॉर्म से मेड्यूसा बनता है, पॉलीफॉर्म से जब मेड्यूसा बनता है तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल, याद रखना है आपको, सवाल आता है बहुत बार आता है एसेक्सुअल। पॉलीफॉर्म से जब मेड्यूसा बनता है तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। और दूसरा ये है, जब मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, मैंने क्या बोला, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेड्यूसा से अगर पॉलीफॉर्म बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल मतलब गैमेट फॉर्मेशन से यहाँ पे बनता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि निडेरियंस को हम निडेरिया क्यों बोलते हैं, निडेरियंस को सिलेंट्रेटा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिलेंट्रॉन नाम की कैविटी वहां पे प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट, इसलिए हम उनको सिलेंट्रॉन बोलते हैं, सिलेंट्रेटा बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि निडेरियंस को हम निडेरिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स, दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। मैं दूसरे पैन से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, नीडोब्लास्ट। और ये सेल्स जो होती हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? स्टिंगिंग सेल्स, क्योंकि इनके पास स्टिंग कैप्सूल्स होते हैं, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। और जिनका काम यही होता है कि वो अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म में या प्रे को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं, आपको पता है हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स का काम क्या होता है, फूड को कैप्चर करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं और अपने आप को बचाने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं टेंटिकल्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिनको हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं, नीडोब्लास्ट की हेल्प से अपने आप को वो बचाने का काम करते हैं, राइट जी। एसेक्सुअल फेज इज जनरली पॉलिप एंड सेक्सुअल फेज इज मेड्यूसा, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बिल्कुल जी। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली यहाँ पे। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया, ऑरेलिया हो गया, सारे के ओब्लिया हो गया, सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब बात ये आती है यहाँ पर, अच्छा फंडा बॉक्स का हमारा क्लियर हो चुका है, और फंडा बॉक्स को क्लियर किया है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये करेंगे, सेकंड लेट मी अंडरलाइन, एग्जाम्पल में क्या क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो एडम्सिया एग्जाम्पल है आपका, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, ये ऑरेलिया स्टेज है, ये हाइड्रा है, एंड दिस इज ऑब्लिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द निडेरिया, यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो ऑब्लिया होता है, ठीक है, जो पॉली सॉरी अच्छा सेक्सेस जो होते हैं यहाँ पे सेपरेट होते हैं, या फिर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेम बॉडी के अंदर दोनों टाइप की सेल्स मिलती हैं, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा सेक्सेस आर सेपरेट और नॉट, जल्दी से बताइए सेक्सेस आर सेपरेट और नॉट, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है, तो कौन बच्चा बताएगा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल, जल्दी 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 मुझे पता करना है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल, कौन बच्चा बताएगा, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं, अगर ऑर्गन्स नहीं होंगे तो किसी भी टाइप का सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सिस्टम बनता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से बनता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन बींग में लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स के अलावा
ट्रेकिया होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा ब्लड वेसल्स भी जो कि ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, एल्वियोलाई, सो दे मेक कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। बस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड वेसल होता है, इसके बाद हार्ट होता है, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू एंड ऑर्गन जब वो मिलकर एक काम करते हैं, सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं आफ्टर द कोऑर्डिनेशन, तब जाकर वो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मटेरियल्स जो होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, वहाँ तो सिर्फ टिश्यू होता है, ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे सिस्टम वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल ये था कि आप मुझे बताइए कि सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं या नहीं होते, और अगर सेपरेट नहीं होते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, जल्दी से कौन बच्चा बताएगा? ये बात बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, मिस्टर एडू गेमर का सही आंसर आया है। और एडू गेमर ने क्या बोला है कि मेल फीमेल जो होते हैं वो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। देखिए बडिंग हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बडिंग होता है, जैसे कि हाइड्रा में आपको बडिंग से मिलता है फर्टिलाइजेशन, सॉरी नॉट फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे जो सेक्सुअल होता है वो गैमेट फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है नहीं होती, बताइए कौन बच्चा बताएगा? लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है या नहीं होती? तो डेफिनेटली यहाँ पे हर्माफ्रोडिज्म आपको देखने को मिलेगा, हर्माफ्रोडिज्म, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पर भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आज के बच्चे मुझे बहुत अच्छे मिले, मतलब उनको नॉलेज भी है प्लस सपोर्टिव भी है। यस, फर्टिलाइजेशन, हाँ, तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, और क्या बात करेंगे, बाकी चीजें तो आई गेस कवर हो ही चुकी हैं। यस 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 यस, अभय, यस प्लीज डियर, तो सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है। मेटाजेनेसिस तो आपको पता ही होगा, मेटाजेनेसिस पता है नहीं पता? मेटाजेनेसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरेशन ऑफ द बॉडी फॉर्म्स, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मतलब पॉलिप, पॉलिप हो गया, पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप, ठीक है। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे सी पैन, दे क्लोन्स देमसेल्फ, हाँ, एसेक्सुअल में डियर क्लोन ही होता है, सी पैन हो जाएगा आपका, सी पैन के अलावा आपका जैसे कि आपका हो जाएगा सी फैन, एडम्सिया हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सी एनिमॉन, सी एनिमॉन, सी पैन का अगर आपको साइंटिफिक नेम जानना है तो सी पैन का साइंटिफिक नेम होता है पेनेंट्यूला, ठीक है। और सी फैन जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका होता है गॉर्गोनिया, सब आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो नोट, यहाँ पे कुछ फाइसेलिया हो जाएगा आपका, ठीक है, पोर्टिकस वायरस को बोलते हैं, हाइड्रा हो जाएगा, ओरेलिया हो जाएगा, ऑब्ली हो जाएगा, तो सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल आपके कवर हो चुके हैं, राइट, इज दैट क्लियर? यस माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तीसरा जो हमारा फाइलम है आज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है, और बहुत ही छोटा फाइलम है, और वो फाइलम है आपका यहाँ पे टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा हम कवर करने वाले हैं। टीनोफोरा जो होते हैं वो कॉमनली इनको सी वॉलनट बोला जाता है या कॉम्ब जेलीज इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वॉलनट के जैसा होता है। वन सेकेंड, गिव मी वन मिनट, इनको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं, कॉम्ब जेलीज इनको बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पे फुटबॉल में जैसे लाइंस होती है ना, वैसे ही इनकी बॉडी पे जैसे लाइनिंग्स रो होती हैं, जिसकी वजह से इनको हम कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया रखा है, प्लूरोब्रैकिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। सबसे बड़ी बात ये है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मैं इसको यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे देती हूँ,
ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो कभी भी, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैराइन, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, यस माय डियर, रेडियली सिमेट्रिकल, बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप उसके सेंटर से कहीं से भी उसको कट करो, दो इक्वल बॉडी पार्ट्स में वो, या दो इक्वल बॉडी हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। डिप्लोब्लास्टिक, दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, फाइलम टीनोफोरा एंड एक्टिनिडिया द कॉम जेली, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। दे हैव डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो जर्म लेयर से बने होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एंड प्लस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है, मतलब टीनोफोरा तक ऑर्गन बने ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब तक की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि ये रात में चमकते हैं, डार्क में इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डार्क में लाइट इमिट करते हैं, रात में चमकते हैं। तो जब भी आप किसी बीच पर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ओशियन के अंदर बहुत सारी लाइक यू नो लाइट एमिटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो बायो उसी प्रोसेस को, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ये है कि ये डाइजेशन जो होता है कि दोनों के दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन यहाँ पे मिलता है। ड्यू टू क्लोनिंग आइडेंटिकल जेनेटिक करेक्टर्स आर विजिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस माय डियर, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। तो टीनोफोरा के बारे में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा यहाँ पे जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड तीसरा इन्हीं को हम कॉम्ब जेली बोलते हैं या इनको कॉम्ब जेली जाना जाता है, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, तो कुछ फंडा बॉक्स में कुछ यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो फंडा बॉक्स में पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो सेक्सेस होते हैं ना, सेक्सेस जो होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब यह है कि हर्माफ्रोडिज्म यहाँ पे शो होता है, हर्माफ्रोडिज्म यहाँ पे शो होता है, मतलब ये सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, एक ही बॉडी के अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जब यहाँ पे बात सेक्सेस की आई गई है तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा, बताइए क्या होगा, रिप्रोडक्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए रिप्रोडक्शन किस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है, यस माय डियर, रिप्रोडक्शन कौन बच्चा बताएगा, रिप्रोडक्शन बताइए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यस दे आर ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सिलोम अब्सेंट होती है, सारी चीजें करने वाले हैं, बिल्कुल डू नॉट वरी एट ऑल, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताइए जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है, हाय सुभाष, तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, रिप्रोडक्शन ठीक है ओनली बाय सेक्सुअल, लेकिन डेवलपमेंट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा बताइए, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, कैसा होता है डेवलपमेंट, कौन बच्चे बताएगा, डेवलपमेंट इज बताइए, डेवलपमेंट कैसा होगा, कौन बच्चे बताएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होगा, ठीक है। तो एक और चीज हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को ये सोच रहे होंगे कि मैम ये सिलोम भी नहीं बोल रही हैं, डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं बोल रही हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी नहीं बोल रही हैं, मैम ये तीन चार पॉइंट को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो अगर किसी बच्चे ने मेरी कल की क्लास अटेंड नहीं करी है ना, तो आज उनके इन सवालों का जवाब जो है वो कल की क्लास में ही छुपा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको सिलोम नहीं बता रही हूँ, डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं बता रही हूँ, बॉडी जो बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब है या फिर ब्लाइंड से, वो भी नहीं बता रही हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि कल की क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें बताई हैं, अगर आप कल की क्लास मेरी देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ। तो मैंने कल की क्लास में क्या बताया था कि अगर किसी सर्टेन स्टेज पर या किसी सर्टेन फाइलम पर सिलोम मिली है
तो उससे पहले सारे के सारे फाइलम एसोलोमेट होंगे, वो आपको आपको क्या याद रखना है, आपको एनिमल किंगडम में दो चीज जो है वो अच्छे से समझने के लिए याद करने की जरूरत ये है कि कहाँ पर किस फाइलम में किस एनिमल में कौन सा सर्टेन फीचर, बेसिक फीचर या एडवांस फीचर डेवलप हुआ है। देखिए सिलोम जब पहली बार देखी गई थी ना, वो एनिलिडा में देखी गई थी। इसका मतलब ये है कि एस्केरिस को छोड़कर एनिलिडा से जितने भी पहले की फाइलम है, चाहे वो पॉरीफेरा हो या फिर नेडेरिया हो, टीनोफेरा हो, प्लैटीहेलमिंथस, वहाँ पे कहीं पे सिलोम होती नहीं है। तो बार बार ना रटने की और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ना आपको कॉमन सेंस आपकी होनी चाहिए कि जब पहली बार सिलोम एनिलिडा में देखी गई थी तो इससे पहले सिलोम होगी नहीं। और जब एक बार एनिलिडा में सिलोम कैविटी देखने को मिल गई, एनिलिडा आर यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म और एनिमल और फाइलम, तो उसके बाद जितने भी एनिमल होंगे सभी में सिलोम कैविटी देखने को मिलेगी। तो दिस इज वेरी कॉमन सेंस, इसमें बार बार लिखने की, रटने की, बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेम डिप्लोब्लास्टिक, प्लैटीहेलमिंथस जो है वो पहली ऐसी फाइलम है जहाँ पे एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटीहेलमिंथस। तो इससे पहले जितने भी एनिमल है सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्ट से पहले जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो डिप्लोब्लास्टिक था। ठीक है, तो बार बार लिखने की, बोलने की, याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉमन, वेरी कॉमन सेंस, बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही बेसिक बात है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर जो है वो प्लैटीहेलमिंथस में देखा गया, इसका मतलब यह है कि पहले वाले सभी एनिमल और ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और प्लैटीहेलमिंथस के बाद सारे एनिमल और ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नो डाउट, नो एक्सेप्शन। ये चीजें आपको दिमाग में फिट करनी पड़ेंगी। अगर इस तरीके से आप एनिमल किंगडम को समझते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं, आई कैन गिव यू गारंटी कि एनिमल किंगडम आज के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, कॉम जेलीज इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉम प्लेट्स होते हैं, यहाँ पे सीलिया होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, सीलिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन की जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पे बनी हुई होती हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कॉम प्लेट्स होती हैं। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। डाइजेशन इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों होता है, इसके बाद सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है केवल सेक्सुअल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा प्लूरोबोर्गिया और टीनोप्लाना, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिख देती हूँ, टीनोप्लाना। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू कि भाई आपको एनिमल किंगडम कैसे याद करना है। ठीक है, आपको जो चीजें मैं बताते चल रही हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सारी ट्रिक थी जिससे मुझे एनिमल किंगडम याद हुआ था, वरना जब मैं आपके टाइम पे थी मुझे भी कभी एनिमल किंगडम याद ही नहीं होता था, समझ भी नहीं आता था। फिर जब मैंने बहुत बार एनिमल किंगडम को पढ़ा तो ये चीजें मैंने ऑब्जर्व करी कि बहुत सारे ऐसे बेसिक फीचर है जिसमें आपको रटने की, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लैटीहेलमिंथस पे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर देखा गया था, तो उससे इट्स वेरी ऑब्वियस कि उससे पहले वाले जितने भी एनिमल या फाइलम रहेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलोम की भी बात यही है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कौन से एनिमल सिलोमेट होते हैं। सिर्फ एस्केलमिंथस एक ऐसा फाइलम है जहाँ पे सूडो सिलोम देखने को मिलती है, और पहली बार सिलोम जो थी वो आपको देखने को मिली थी, बताइए कहाँ पर पहली बार सिलोम जो थी आपको देखने को मिली थी, एनिलिडा में। तो उससे पहले जितने भी एनिमल हैं फाइलम है सारे के सारे एसोलोमेट होते हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी कॉमन, वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन सेंस, तो आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लास कब एंड होगी? बहुत जल्दी एंड होने वाली है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कुछ और जानना है, पूछना है, या फिर आपको कोई पॉइंट याद आ रहा है तो जल्दी से मेरे साथ शेयर कर लीजिए ताकि मैं फंडा बॉक्स में यहाँ पे लिख सकूँ। जल्दी बताइए फंडा बॉक्स में क्या क्या लिखना है यहाँ पे, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा? चलो फंडा बॉक्स में लिख लेते हैं, टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मैराइन। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैराइन। दूसरा पॉइंट फंडा बॉक्स में, रेडियल सिमेट्री। आई होप कि मेरी स्पेलिंग सही हो, क्योंकि कभी कभी मैं स्पेलिंग में गलती कर देती हूँ। एसिलोमेट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए, डिप्लोब्लास्टिक।
बाकी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके जी, ओके। और बाकी क्या लिखेंगे बताइए, बायोल्यूमिनेसेंस हमारा हो चुका है, लिख देते हैं एक बार बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, एंड लास्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखें खास लास्ट में, क्या लिख सकते हैं बताइए, हाँ यहाँ पे कॉम्प्लेट्स होती है ना, कॉम्प्लेट्स होती है यहाँ पर, और वो कॉम्प्लेट्स जो होती हैं वो बनी होती हैं यहाँ पे आठ रोज होती हैं ठीक है, जो कि सिलिएटेड होती हैं, सिलिएटेड, और उन्हीं सीलिया की वजह से यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, कॉम्प्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसी की वजह से इसको कॉम्ब जेली भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है, इज देयर एनीथिंग, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हाँ हो चुका है हमारा, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन, ये देखो थी मिस्टर एडुकेटर ने क्या बोला है, सीलिया आर यूज फॉर लोकोमोशन, दे आर हर्माफ्रोडिज्म, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड इंक्लूड इन द सिडिपेड लार्वा, बिल्कुल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा सिडिपेड होता है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल जी, क्या बात है, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फंडा बॉक्स हमारा हो चुका है। यस माय डियर, दे आर हर्मा, बिल्कुल ये आज के बच्चे, तो जल्दी से सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, हार्ट भेजिए अपना, जल्दी 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 सारे बच्चे मुझे अपनी दिल भेजिए, अपने सपोर्ट भेजिए, लाइक भेजिए फटाफट, तो इससे पहले कि आप हमारी क्लास को लीव करते हैं, जस्ट गिव मी 5 मिनट, और वो 5 मिनट मैं आपको यहाँ पे लेना चाहती हूँ। कोई भी बच्चा अगर हमारा यहाँ पर नया है और उसको अनअकैडमी और के आइकॉनिक एंड प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे दीज आर द प्लान्स के अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें आपको मिलता है 20% ऑफ। अभी अनअकैडमी का बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ आपको यहाँ पे मिलता है, और 10% ऑफ आपको मिल जाता है अगर आप यहाँ पे मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं, तो इस कोड को लेकर आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। तो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई JSNEET, अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो यू कैन यूज दिस नंबर टू कॉल देम एंड टू आस्क फॉर द लोन फैसिलिटी, टू आस्क फॉर द यू नो फाइनेंस फैसिलिटी एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, लीडर बैच हमारा हो गया, अचीवर बैच हमारा हो गया, मेडिको बैच हमारा हो गया, एम्स रैंकर बैच हमारा हो गया जो कि आनंद मनी सर का बैच है, नीट ड्रीम बैच हो गया जिसमें के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, अद्वितीय बैच हमारे स्टार्ट हुआ है। एंड हाँ, जो बच्चे अभी 11th एंड 12th में हैं तो वो CBSE के साथ साथ नीट की तैयारी कर सकते हैं, तो दीज आर द कॉम्बो ऑफर्स जो कि 12 और 24 महीने के यहाँ पे ड्यूरेशन में प्रेजेंट है, एंड डेफिनेटली उनको प्लस और आइकॉनिक जो है वो एक साथ मिलने वाला है। और अब तक का सबसे बड़ा फेस्टिवल और सबसे बड़ा ऑफर हमारा मेगा कॉम्बैट ऑफर हमारा ये बैक है। मैं आपको सबसे अच्छी बात आपको बताती जो आपको अभी तक नहीं पता है, कोई भी बच्चा अगर कॉम्बैट टेस्ट लिखेगा, कोई भी बच्चा उसने कॉम्बैट टेस्ट लिख लिया, उसकी कोई रैंक आई है या नहीं आई है, कॉम्बैट टेस्ट लिखने से ही उसको 15% ऑफ मिल जाएगा, एंड दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सिर्फ कॉम्बैट टेस्ट लिखने से उसको 15% ऑफ मिल जाएगा, एडिशनल 20% ऑफ भी मिल रहा है, टोटल 35% ऑफ मिल रहा है आपको प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में। डू नॉट डिले दिस ऑफर, डू नॉट डिले योर सब्सक्रिप्शन, अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि ये ऑफर इसी वीक एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इसमें क्या होता है, 28 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और ये 22 और 23 के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन एनरोल करने के लिए आपको एक कोड मांगा जाता है, तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड, मेरा कोड JSNEET है, इसी कोड को इस्तेमाल करके आप एवरी संडे सुबह 11 बजे टेस्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज मेगा कॉम्बैट, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फ्री में आप एनरोल करिए, और यहाँ पे आप कोई भी बच्चा यहाँ पे सिर्फ लिखने से उसको 15% ऑफ मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, मान लीजिए आपकी रैंक 50 आती है, 125 आती है, 1234 आती है, तो डेफिनेटली 1-2, 1-2-4 रैंकर के जितने भी बच्चे होंगे ना, उनको प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा, मतलब कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, तो डू राइट दिस टेस्ट एंड अपनी किस्मत को आजमाइए। सुबह 11 बजे संडे को टेस्ट होगा, फ्री में अवेलेबल है, एंड यहाँ पे कोड जो है मेरा JSNEET, इसी कोड से आपको टेस्ट लिखने को मिल जाएगा। डू नॉट मिस दिस कोड बाय एनी चांस। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको
नहीं पता है कि अनअकैडमी पर भी हमारी स्पेशल क्लास होती है, तो आपके आपके डिस्क्रिप्शन में मेरी क्लास का, मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज फॉलो मी देयर। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ की मेरी सारी की सारी अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जो है वो देखने को मिल जाती है। अनअकैडमी की रेगुलर बेस पे हमारी जो स्पेशल क्लास होती है वो शाम को 10 बजे होती है। अगर आपको लगता है कि आप कैसे ज्वाइन करें तो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ओपन नीट यूजी गोल, चूज नीट यूजी गोल, सर्च ज्योति शर्मा, वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लेना। उसके बाद JSNEET नीट कोड लगा के आप वहाँ पर मेरी फ्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीबडी, जितने भी बच्चे हमें छोड़ के चले गए ना उनका नुकसान है, कल हमारा है स्पेशल क्लास फेस्टिवल, ठीक है। और इस स्पेशल क्लास फेस्टिवल में माय डियर आपकी प्रेजेंस होना इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देगी, बहुत फॉर्चुनेट बना देगी, क्योंकि यहाँ पे हम तीन क्लास मेरी कल यहाँ पे रहेंगी। पहली क्लास जो रहेगी वो सुबह 10 बजे रहेगी, दूसरी क्लास जो रहेगी शाम को 5 बजे रहेगी, और तीसरी क्लास जो रहेगी डियर वो शाम को 10 बजे रहेगी। और तीनों क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो आपको याद नहीं होते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो 10 बजे की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 PM की क्लास में हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा एनिमल किंगडम के क्वेश्चन। एंड 10 PM की क्लास में हम करने वाले हैं, बताइए क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको सरप्राइज है। तो प्लीज डू अटेंड माय ऑल स्पेशल क्लासेस एंड मेक दोस क्लासेस वेरी स्पेशल टू योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर ज्योति शर्मा। अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा और मेरा कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको पता है JSNEET, इसी कोड से आपको मेरी सारी स्पेशल क्लास में फ्री में एंट्री मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है जी। यस, दी वो नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ था, री एग्जाम हो सकता है। नहीं एडू गेमर, बिल्कुल मना कर दिया है NTA ने कि री एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कोविड का टाइम है, इट्स नॉट दैट मच ईजी कि इस टाइम पे वो री एग्जाम करा सकें, इसीलिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। यस एडू गेमर, यस इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यस जमुना आपने बिल्कुल सही बात बोला है, आप चमक रहे हो, चमक कैसे रहे हो भाई, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। आपको आज मेरी क्लास में सबसे अच्छा क्या लगा, कोई भी चीज़ अगर आपको सबसे अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपको समझ आई है, आपके लिए इस पूरे एनिमल किंगडम को उसने इजी बना दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या पसंद आया। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को ऐसे फैला दो, शेयर कर दो सभी को, ताकि सभी का बेनिफिट हो और सभी को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ जाए। ओके जी, इज़ दैट क्लियर। सो डिड यू इंजॉय माई क्लास, जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि यस मैम वी इंजॉय योर क्लास, वी इंजॉयड अलॉट। जल्दी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए कि आप मेरी क्लास को बहुत अच्छे से इंजॉय किए, बताइए, नहीं हेजिटेशन नहीं, बताइए। अरे बोलो बोलो रे, आपने इंजॉय किया क्लास को बहुत अच्छे से, सारे बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए, किया है तो अपना हार्ट भेज दीजिए, थम्स अप भेज दीजिए, स्माइली भेज दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि बच्चे खुश हैं और बच्चों को समझ आया है और मेरा जितना भी एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। वेरी गुड जैनिल, बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू रश्मि, थैंक यू जैनिल, थैंक यू सो मच। और बी रेगुलर इन माई क्लासेस, आपको नहीं पता है तो मैं शेड्यूल बता देती हूँ, मेरी जो यूट्यूब क्लासेस होती है माई डियर, ये सुबह 11:30 होती है, जो कि वहाँ पर भी हम कर रहे हैं टॉपिक, और शाम को 7 बजे होती है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, जैसे कि सुबह 11:30 वाली क्लास में हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट चल रही है, जिसमें पूरा रिप्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, और शाम के 7 बजे क्लास में अभी तो एनिमल किंगडम चल रहा है, बाद में फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी हम करेंगे, ठीक है। तो बी रेगुलर इन माय ऑल क्लासेस एंड आई रियली विश कि मेरी क्लासेस से आपको बहुत हेल्प मिले, आपका नीट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी नीट की जर्नी बहुत अच्छे से कवर हो जाए। आई रियली विश।
So wish you all the best everybody. Thank you so much. Please take care and be regular in my classes. See you tomorrow sharp 10 a.m. in my special class, 11:30 a.m. in my YouTube class, 5 p.m. in my special class, 7 p.m. in my YouTube class and 10 p.m. in my special class. I'm really hoping ki aap sare bache wahan pe attend karenge and you will make my all sessions very special and I'm thankful for that. Okay? Hi Lingraj! Thank you so much everybody. Do not forget to like our session, share our session so that all the NEET candidates can take advantage of my all free sessions on YouTube. अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ आया है, तो it's very obvious कि बाकी बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको समझ आएगा, उनकी मुश्किल जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, उनके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, and आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनिमल किंगडम की मैं आपको बहुत स्पेशल टिप्स देती हूँ, तो वो सारे टिप्स जो है आपको इस चैप्टर को हर एक टर्म को याद रखने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है. ओके, तो आज के लिए इतना ही डियर. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सरप्राइज अभी बाकी है. टेलीग्राम चैनल में आपको जस्ट विद इन 15-20 मिनट्स आपको पता लग जाएगा कि आज का क्या सरप्राइज है. सो बी रेगुलर. अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और ताकि आपको वहां पे सारी क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा. अगर आपको वहां पे कोई भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, कोई भी स्पेशल हेल्प चाहिए अपनी ज्योति शर्मा मैम से, तो वो भी सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी. प्लस जूम मीटिंग का भी वहीं पर आपको लिंक मिलने वाला है. तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल योर क्लास अपडेट्स एंड बेनिफिट्स एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो आज के लिए इतना ही. शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर. Jani, you can invite all the students so that everybody can join the Telegram channel. Okay, Jani? Chali, bye-bye. Milte hain aapko aaj hi special surprise ke saath. So, be ready.